रउआ से एगो बात कही चाहते हैं। हाँ बोलो तो बोलो ना। अमर बबुआ सरला बंटवारा के बात करते रहे। बाबूजी, ये घर में हमनी के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे तू कैसन बिना सिर पैर के बात करत रही बहन। सरला तू जबान लड़ा कर। अरे रहे दे तू, कि बड़ के दुल्हन के बहिन है तो इनकरों में वसन के संस्कार हुए। रही अपन संस्कारी बहू के साथ। माई, अगर चाची घर तोड़ वाला बात सिखाई है तो हम पूछियो नहीं खी सकत का। अरे बबुआ जी सुन ली हा कि आपन चिंटू बबुआ मामा जी के यहाँ बड़ी नाम करत बा, टेस्ट में बड़ी अच्छा नंबर ले ले बाड़न। हाँ पंडित जी, नंबर तो ले बा, लेकिन हमू सफल होके वाले बाड़ी। मतलब? मतलब ये कि हम अमर होकर मेहरारू के अपन बिजनेस पार्टनर बनावत बनी। अमर और उनकर मेहरारू के माने चौधरी जी के परिवार के। हाँ बाबा भाई, देखो हम चाहत नहीं कि वो लोग अमीर होके वो लोग आबाद होके। हाँ हाँ, का खूब कहला, वो बर्बाद हो जाइए कि आबाद हो जाइए। का मतलब हो जी? मतलब ये है कि वो लोग में झगड़ा लगा के तू का समझता रह, ये सब ठीक कर रहा बड़ा। अरे भौजी, हम कुछ नहीं की गईले, हम जाना तो नहीं कि सब बवाल हमारे सर पे आई। तू ऐसा करवा तो केकरा सर पे बवाल पड़ी। अरे भौजी, हम कहत नहीं कि हम कुछ नहीं गईले, और तोहरा का लगता कि हम उनका अपन बिजनेस पार्टनर ना बनाई तो उनका परिवार टूटे से बच जाए। अरे अमर और सरला खुदे चाहत बनी अमर संगे काम करे खातिर। हमरा ये सब कुछ नहीं के पता। अरे भौजी, तो जाके पता करी, वो लोग खुदे हमरा लग गया लला। अमर हमरा पास आके घोड़ पड़त रहूँ कि भैया अपना संगे रख ल। और बताई बड़की मलकाइन अमर और मेहरारू के अपन घरे गुलाम बना के रख ले बड़ी। अरे उनका तरक्की तो जलत गया, यही खातिर घर का बंटवारा होता। और हाल हमार बात तो हमार काम बनने की कही और जो हम करत। अब भौजी तुहरा के जवन समझे के बा तू समझ। अरे बबुआ जी सुनी हम आ बता रे राम राम। तुलसी जी के पास कपड़ा सूखे खातिर के डाल दे ले बा। दीना, दीना, ए दीना। जी मलकाई। हम मना के ले बानी नू कि पूजा के पास ऐसे सामान ना रखल जाए। तो भटा भाई जैसे। जी। वो खाना जी, रे वो खाना कहे नहीं की खा लेते नहीं। अरे का खाई हो? बाबूजी, हमारा फैसला एकदम अटल हुआ। हमके बंटवारा चाहिए बस, हमके बंटवारा चाहिए बस। बंटवारा? कैसन बंटवारा? एक घर के बंटवारा, एक घर के बंटवारा। एक घर के बनावे में दुगो ईंटा तू लगौले बड़ा, अब तू बंटवारा खोजत रह। अरे तू कै बीघा जमीन खरीद ले बड़ा कि तू हमरा से बंटवारा मांगत रह। बाबूजी जाय दी, रह दी, अभी इनकर मती काम नहीं कर, छोड़ दी बाबूजी। अमर तर तंदूरी के बुझत का बोलत रह, निकाल दिया तू चुप रहा। खुद समझे तो नहीं हम का बोलत नहीं। अरे तू का समझे तरह कि तू का बोलत रह? खुद समझे हम के नहीं के हमके।
हमके बंटवारा चाहिए बस। अरे हमरा जीते जिए तू ये घर से बंटवारा कर। अरे तोरे जाके कहीं कुछ काम धाम करे चाहिए दुनिया में। अच्छा दिन रात घर में बजल तेरे निठल्ला लेखा घर में ना बैठी तो लंदन जाई। तू सोचले बड़ा कभी हमरा खातिर तू करो कदम उठोले बड़ा आसपास। अरे घर के सबसे ज्यादा पैसा तू ही जियान कहले बड़े। हाँ तो हर पैसा का दारू पियत रहिए जाके हम हमरा से जमाल लड़े दे। बहस बहस नहीं की करे चाहत तोरा संगे हम तो पैदा भेल बनी अपमान सहे खातिर। देखी हमरा के खाली बंटवारा चाहिए बस। हिस्सा चाहिए। हाँ हिस्सा चाहिए। अमर बाबूजी अरे शर्म कर अमर शर्म कर। तोरा ऐसा लड़का के तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे के चाहिए। अरे वो तो भाग मनाओ लो कितना सीधा बाप मिलल बा। नहीं तो हमू देखती तो हम लोग में कितना अकड़ बा। देखिए होश में आ गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इनको सुई दे दिया हूँ, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा और दवा टाइम से दीजिएगा। ठीक है मैं चलता हूँ। बाबूजी केकरा के ढूंढा तनी हमने के सब तेजे बनी जा। अमर अमर के पूछे तारा भैया। हाँ रोवर रहे थी मामा जी। हम अमर के लेके आओ तनी। अमर एजे कहीं हुई है। चिंता मत करा भैया अमर अभी आ जाए हैं। भाई जी सब ठीक हो जाए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस तनाव मुक्त रहें। रवा जल्दी ठीक हो जाएं। बाबूजी हमने के रवा के खोल नहीं की चाहत ना। और कुछ ना हुई रुआ मत। बाबूजी रुआ चिंता मत करी, जे होता सब ईश्वर की मर्जी से होता। रुआ मत घबराई, जब सब पोते कपूत हो जाए लोग तो क्यों क्या करी ये नुहाल होई। तोरा के समझ में आवला कि कहां कैसन बात बोलन चला।
तू लोग हॉस्पिटल नहीं आई लनु, आई वो तार बाप पड़े, आँख खोलते तो हम लोग बारे में पूछ ले हैं। देखा विकास भैया, भगवान के दया से वो ठीक ठाक बाड़न ना, हमनी के हाल चाल मिल गई, हम लोग अस्वस्थ बन जा। का अपन बाबू से मिले गए गुना बा वो समय जौन समय हॉस्पिटल में पड़े बेड पे पड़े वो ऐसा कौन बात नहीं थे विकास भैया। अरे तो कैसन बात बा अमर, कैसन बात बा। अरे ऐसा हम कौन बात कह दिली हाँ है कि इतना टेंशन में आ गया हूँ, अपना तरह से जिंदगी जेल गुनाह बका भैया। गुनाह बा अमर, गुनाह बा, अपना बाप के सामने घर के बंटवारा के बात कोई गुनाह बा, घर के तुड़ल गुनाह बा। देखी हमनी के कोनो शौक नहीं खे लागल अलग रह के, जब ये घर में हमनी के कोनो इज्जते नहीं खे तो यहाँ रहला से का फायदा। अरे देखत तो हम लोग हम कैसे समझाएं। देख भाई अमर, हम अभियो कहते चल के मामा इसे माफी मांग, माफी मांग ले हमारे भाई। अरे तुम लोग सोच तू एगो बाप हवे का बीतत हो करा फिर। देखा विकास भैया, हम माफी मांगे होंगे ना जाए, हम जाना था नहीं कि ये समय अगर हम छुपा गई ना तो हमके घर में दबा दे जाएगी। अरे तो सीधे सीधी बोल ना, तू ये लायक नहीं खे कि अपन शक्ल अपना बाप के दिखा सके ले। अरे शर्म कर अमर, शर्म कर, तोरा ऐसा लड़का के तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। अरे वो तो भाग मनाओ लो, कितना सीधा बाप मिलल बा, नहीं तो हमू देखती तो हम लोग में कितना अकड़ बा। अब बाबूजी, बाबूजी तो हमके बिना संस्कार वाला पतो बता देनी। सरला, थप्पड़ मारब तारा के अगर बिना सर पैर के बात कर लूँ तो। हाँ, अब दबाव से काम ना बना था तो थप्पड़ मारल ही बच गई बा। देखनी जा लोग, चौधरी जी के घर में बबुआ जी झगड़ा लगवा देले पड़े। अरे और तो और, काली के झगड़ा में ना चौधरी जी इतना तनाव में आ गईलन कि अस्पताल पहुंच गईलन। अरे अमर के तो एक पैसा की बुद्धि नहीं खे, बतावा चौधरी जी जैसे आदमी के परेशान कह देले बा। सही कहला, चौधरी जी इनके बारे में इतना सोचले बाड़ा और ये कुल उनके परेशान कर रहल बाड़े। हां हां, ले मेहमान जी आ गए ने, प्रणाम मेहमान जी। बबुआ जी के मामला रहे का ना मक्खन काका, ऐसा बात ना, हार्ट का मरीज तो पहले से रहन, अब हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकेला। सही कहा, बैठे चलो मान जी, जरूर हमी से कुछ छिपाओ तनी। एकदम ठीक कहत बाड़ा, अरे वो घर में ना बंटवारा के बात चल रहा बा। अरे का करबा हो, पूरा परिवार महंतवा के कुलक्षणा बा कुलक्षणा। हर बात एकदम सुलह माने सच है, महंत का परिवार का लोग जहाँ भी जई हैं वहाँ झगड़ा कला लेख दे। अरे आतंकी बाड़न सा। और का। सही बाबूजी के जब से हो साइल बा, आठ बेर रवा लोग के बारे में पूछ चुकल बानी कि कब आई है, कब आई है। हम बोल बोल के थक गए बानी। देखिए हमार बबुआ, हमार बात समझे के कोशिश करी, हमने के कितना भाग्यशाली बानी जे हमने के बाबूजी मिलल और रवा लोग के उनका कोनो कदर नहीं खेका। देखिए हमार बबुआ, वो तो बड़ हवन, अब बर जब गुस्सा करेला तो ओकरो के आशीर्वाद मानल जाला।
कुल बात ठीक बा भौजी, हमहू मानतनी, लेकिन जब हमनी से उनकरा के प्यारे नहीं खेत दिखावा के लिए कौन फायदा, जाके उनका पहले देखला से का फायदा बटे। के कहला से कि उनका रोवा से प्यार नहीं खे, अगर प्यार न रहे तो बार बार रोलो के बारे में काहे पूछता। बाबूजी घर के एक एक ईटा जोड़ के बनौले बनी, अरे वो ओकरा के तोड़े के बात करब तो उनका गुस्सा ना आई, बोली जाए दीना दीदी। अब जब ये घर में हमनी के कोनो फर्के ना पड़ा था तो यहाँ रहला से का फायदा। अब बाबूजी, बाबूजी तो हमके बिना संस्कार वाला पतो बता देनी। सरला थप्पड़ मारब तारा के अगर बिना सर पैर के बात कर लू तो। हाँ अब दबाव से काम ना बना था तो थप्पड़ मारल ही बच गई बा। हमरा से कौन गलती हो गई बा सरला, जे तू हमरा इतना बड़ सजा देता रहू। ए अमर बबुआ, रवा काहे नहीं खी समझत, हम बाबूजी के खोल नहीं खी चाहत, ये उनका तीसरा अटैक बा। अच्छा बोली 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 रवा लोग के का चाहिए, हम सब पूरा करब, बस हाथ जोड़ के कहत नहीं घर बंटवारा के बात मत करी। ए भौजी हम हो कहाँ बंटवारा के बात करत नहीं, हम तो यही घर में रह चाहता ही ना, बस हम खाली चाहता नहीं कि बबुआ जी के घर में आवे जाए के छूट दे देवल जाए बस। रवा के जे करे के बसे करी, बबुआ जी के बुलाई, पार्टनरशिप करी, बिजनेस करी, कोनो दिक्कत ना बा, बस अभी बाबूजी से मिले चली, उनका सामने घर तोड़े वाला बात मत करा। चली चला सरला, आराम करी था। अरे ना बबुआ, आराम करत करत एकदम अब मन थक गई बा। अरे तो कोनो बात ना मामा जी, तनी और ही आराम कर ले। बाबूजी देखी के आइल बा, ई लोग के अपना गलती के बहुत पछतावा बा बाबूजी, अब रउआ ई लोग के माफ कर दी। अरे आपन औलाद के कोनो बाप दुश्मन समझेला का? सही बात कहत नहीं बाबूजी, चल अब जल्दी से रउआ ई लोग के अपन आशीर्वाद दे दी। अरे बहू, हमारा आशीर्वाद तो ई लोग के हमेशा रहे, बाकी ये लोग बेवकूफी वाला बात कर देला तो हम का हमनी के घर में रह जाएंगे आप लोग के संगे। हाँ बाबूजी, हमनी के अब बंटवारा नहीं की चाहत जा। देखनी बाबूजी, ये लोग अपना गलती पे बहुत शर्मिंदा बा लोग, यही से एजा ना आवत रहन लोग। अब रउर तबियत खराब भइल है तो आउट डेरा गइल है लोग, कहत रहे कि बाबूजी के सामने कौना नजर से जाए। अरे भाई तब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चलो अब आशीर्वाद लो। खुश रहा लोग, सदा सुखी रहा। दिन से ही घर में पड़ल बानी, नैहर में केहू इतना दिन रहेला, अपने भाई के घर में बानी, अपने भाई के कमाई खाता नहीं, सहारना ई घर के हम इतना टुकड़ा करब ई घर के लोगन के कि फिर अपन घर के ही चार दीवारी के सामने बनिया मलकाई। मलकाई